हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो 9 इंच के गमलों में बहुत अच्छे चलते हैं। अगर आप उनको बेस्ट ग्रोथ आपको उनकी लेनी है, बेस्ट ब्यूटी उनकी एंजॉय करनी है अपने गार्डन में, तो आप उन प्लांट्स को हमेशा 9 इंच के गमले में लगाएं। वैसे तो देखिए, गमले का साइज़ क्या होना चाहिए ये डिपेंड करता है प्लांट के साइज़ पे कि कितना बड़ा आपका, ये देखिए कटिंग्स दिखा रही हूँ आपको मैं, प्लांट का कितना बड़ा साइज़ है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो छोटे गमलों में ही ज़्यादा अच्छे चलते हैं, आज हम उनकी बात करते हैं। उनको आप 9 इंच में लगाएंगे तो आपको बेस्ट ग्रोथ देंगे। तो देखिए, शुरुआत करती हूँ मैं एक ये खूबसूरत से एग्लोनिमा के प्लांट के साथ। ये देखिए, एग्लोनिमा के जो प्लांट्स होते हैं इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो ये आपके 9 इंच के पॉट में बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरती से चल रहा है। इसको अगर आप बड़े 12 इंच के, ये देखिए ये बर्निंग जो दिख रही है, ये मैं अब इसके पत्तों को हटाऊंगी, एक दिन टाइम मेरे को नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये 9 इंच के गमलों में लगे हुए हैं, तो ये 9 इंच के गमलों में बेस्ट ग्रोथ दिखाते हैं आपके एग्लोनिमा के जो प्लांट है। मेरे पास जो एग्लोनिमा का प्लांट है उसमें से मैंने ये दूसरा दो गमले डिवाइड करके बनाए हुए हैं। एक दूसरा गमला उधर पड़ा है, वो भी शायद मैं अभी दिखा दूँ वीडियो अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो। ये देखिए, ये 9 इंच के गमलों में बहुत अच्छे चलते हैं ये एग्लोनिमास। नीचे वाले फ्लोर पे मेरे रेड एग्लोनिमा है, देखती हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो तो वो भी आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखिए, ये जो आप नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं पेंडानस, ये देखिए ये पेंडानस है, ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये पेंडानस का प्लांट है, अलग तरीके का प्लांट होता है इसकी। इसमें जैसे स्पाइडर में लंबी डंडी निकल के बेबी प्लांट्स निकलते हैं, इसमें उस तरह से बेबी प्लांट्स नहीं निकलते हैं, ये सिंपल ऐसे ही ग्रो करता है। और नीचे से इसका रूट सिस्टम कुछ कुछ ऐसा होता है, देखिए सूखी पत्तियाँ दिख रही होंगी आपको। क्लीनिंग प्लांट्स की बहुत ज़रूरी होती है और बड़ा बड़ा काम होता है, ये मैं करती रहती हूँ फिर भी। ये भी देखिए 9 इंच में, तो ये मैं बता रही हूँ कि ये पौधा जब आप इनिशियली लेके आएँ, जब आप छोटा सा 6 इंच के पॉट में, एक ये भी बात है कि जो पौधे आपको 6 इंच के छोटे से पॉट में मिलते हैं वो उनको जो है वो 9 इंच में एक बार शिफ्ट करना अच्छा रहता है। तो पहले शुरू में जब ये प्लांट लाते हैं, मैंने इसको 9 इंच में, देखिए आपको दिखाती हूँ, खूब सारे लगाए हुए हैं ये, तो 9 इंच के पॉट में इनको आप लगाएं। और फिर जब बहुत ज़्यादा ओवरग्रोन हो जाए तो फिर आप कर सकते हैं बड़े गमले में, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 साल लग जाएंगे। तो इनिशियली जब हम ये प्लांट लाते हैं, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसको शिफ्ट करें, इसमें ही चल रहे हैं। देखिए 3-4 साल से मेरे ये 9 इंच के गमलों में चल रहे हैं। तो दो प्लांट की बात कर ली हमने, एग्लोनिमा और पेंडानस। अब ये तीसरे प्लांट पे हम आते हैं, ये देखिए ये है सिंगोनियम, ये देखिए एरो हेड प्लांट जिसको कहते हैं सिंगोनियम। ये देखिए सिंगोनियम का जो प्लांट होता है ये भी 9 इंच के पॉट में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेगा इसको जब आप 9 इंच के पॉट में लगाएं। और जब 9 इंच के पॉट में आपको लगाए हुए, देखिए मैं आपको दिखा, ये सारे देखिए, अब इस टाइम शाम का टाइम हो गया, ये देखिए ये सारे 9 इंच के पॉट में कितनी अच्छी तरह चल रहे हैं। सब 9 इंच के पॉट हैं, एक हैंगिंग बास्केट में है। ये देखिए ये 9 इंच के पॉट में बहुत खूबसूरत लगते हैं एक साथ जब हम इनको लगाते हैं। बड़े गमले में लगाएंगे तो ओवर ग्रोन बड़े से हो जाते हैं, ज़्यादा खूबसूरती और अच्छे ये 9 इंच में लगते हैं। फिर मैं नेक्स्ट प्लांट की बात करती हूँ, तो ये देखिए ये आपको सिंगोनियम जैसी पत्तियाँ लग रही हैं इसकी, ये देखिए ये, लेकिन ये है कैलेडियम। कैलेडियम का जो इनिशियली जब आप बल्ब मंगाते हैं नर्सरी से लेके आते हैं, तो शुरू में उनको आप 9 इंच में ही लगाएं। 9 इंच के गमलों में लगा के ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, खाद दें अच्छी सी बल्ब में, बहुत अच्छा ग्रो करता है और हैंडी होता है प्लांट पौधा। आप कहीं भी, ये देखिए ये 9 इंच में लगा हुआ है, आप कहीं भी इसको रख सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो 9 इंच में कैलेडियम के बल्ब्स भी आप लगाएं। फिर ये देखिए अरेलिया, अरेलिया बहुत अच्छा लगता है जब हम इसको 9 इंच के पॉट में लगाते हैं। तरह तरह के अरेलिया के जो डिज़ाइंस हैं, कई तरह का अरेलिया मिलता है। तो ये देखिए ये अरेलिया जब आप ऐसे लगाते हैं तो ये इंडोर में
बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है। और इसको तो शैलो पॉट में भी लगाते हैं, लेकिन 9 इंची में ये बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। शैलो पॉट में ट्रे वगैरह बनाते हैं ना, उसमें भी अरेलिया को बहुत लगाते हैं, तो ये उसके लिए भी बड़ा अच्छा प्लांट रहता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये दिखाती हूँ आपको। थोड़ा शाम का टाइम हो गया है। अरेलिया की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। ये थोड़ी सी पतली पत्ती वाला अरेलिया है, अरेलिया चौड़ी पत्ती वाला भी आता है। अरेलिया की कई वैरायटीज़ होती हैं। देखिए ये मेरे क्या बहुत बड़े प्लांट्स हैं, इसलिए ये 12 इंची में हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरती इसकी सबसे ज़्यादा आपको जब लगती है तो जब आप इसको 9 इंची में लगाते हैं। इनिशियली मैंने भी ये 9 इंची में लगाए हुए थे, अब ये बहुत पुराने बूढ़े प्लांट हो गए हैं तो इनको बड़े में शिफ्ट करना पड़ा, नहीं तो ये 9 इंची में बेस्ट ग्रो करते हैं। फिर एक नेक्स्ट प्लांट है, ये देखिए कोलियस। इसको तो आप 12 इंची में लगाएं ही नहीं, लगाएंगे तो बहुत जंगल सा बड़ा सा ग्रो करेगा, ये बात नहीं है। अब मैं आज बात कर रही हूँ बेस्ट ग्रोथ जो है। आप लोग जो मेरा विंटर गार्डन देखते हैं वो देखना कि मैं विंटर गार्डन में एक पूरी रो लगाती हूँ कोलियस की। मेरे पास 6-7 वैरायटीज़ होती हैं। इस बार गर्मी में मेरी ध्यान नहीं दे पाई, वैरायटीज़ कुछ फिनिश हो गई हैं, वो मैं दोबारा से लगाऊंगी, नहीं तो मेरे को फ्री में मैं कटिंग से सरवाइव कर लेती हूँ सारी वैरायटीज़ को, इस बार बिजी थी। तो ये कोलियस है, ये 9 इंची में मैक्सिमम खूबसूरत लगता है। तो नेक्स्ट प्लांट हो गया कोलियस। अब मैं अगले प्लांट की बात कर रही हूँ, ये देखिए रियो। ये रियो ट्राई कलरिस है, रियो ट्राई कलरिस। ऐसा रियो एक दूसरा ग्रीन, ब्लू और ग्रीन कलर में प्लेन भी आता है। इसमें 3 कलर हैं, इसमें देखिए, इसमें ग्रीन कलर है, इसमें ये लाइट कलर है और इसमें ये पर्पल कलर है। इसको इसलिए इसको रियो ट्राई कलरिस कहते हैं। बोट शेप फ्लावर्स होते हैं इसके, और ये 9 इंची में बहुत अच्छा है। ये आप छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं 3-4 इंच में। इसको 12 इंच में लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ 9 इंच में बहुत खूबसूरत लगता है पौधा। देखिए आपको भी लगा हुआ दिख रहा होगा, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसकी बहुत सुंदरता जो है वो आपको 9 इंच के गमले में बहुत सुंदर लगता है। ये जो प्लांट्स हैं ये 9 इंच में इसलिए भी लगा सक अच्छे ग्रो करते हैं। एक तो इन प्लांट्स के साइज़ जो है ना, उसके अकॉर्डिंग 9 इंच का गमला सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हर पौधे का ना एक साइज़ और गमले में एक रेशो होता है, वो अच्छा रहता है। दूसरा, इनकी जड़ें छोटी हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पानी और मिट्टी नहीं चाहिए, इसलिए ये प्लांट्स 9 इंची में अच्छे ग्रो करते हैं। फिर एक दूसरे पौधे की बात करती हूँ, ये देखिए, ये मैनी हॉट एस्क्यूलेंटा, कितना खूबसूरत पौधा है। ये देखिए कितने प्यारे इसके पत्ते हैं, ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पौधा। ये भी 9 इंची में अच्छा रहता है, जब आप नर्सरी से लाएं तो लगाएं, ज़मीन में लगाएं तो आप इसको लगा सकते हैं। बाकी अगर आप ला के एक बार इसको 9 में ही लगाएं, अगर आपने 12 में लगाया तो इसमें इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, पानी ज़्यादा मिलने से पौधा ख़राब हो जाता है। इसको आप ला के हमेशा 9 इंची में लगाएं। जब आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए फिर उसको आप 12 इंची में शिफ्ट करें, लेकिन मुझे तो ये 9 में ही खूबसूरत लगता है। देखिए कितना सुंदर पौधा लगता है 9 इंची में लगा के। फिर अगर आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहें ना, तो जैसे सिरेमिक पॉट कोई बड़ा लें और उसके अंदर एज सच ये गमला भी रख सकते हैं, ग्रो ये 9 इंची में आपका बेस्ट करेगा। और मिट्टी में अगर लगाते हैं तो ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इसमें फ्लैशी स्टेम वगैरह होते हैं तो 12 इंची में गल वल जाते हैं पानी ज़्यादा 19-21 देने से, इसलिए ये 9 में बहुत अच्छा ग्रो करता है ये पौधा। और ये देखिए ऑल टाइम फेवरेट लोगों का बहुत कॉमन प्लांट है, जो ये है स्पाइडर प्लांट। ये देखिए स्पाइडर प्लांट, मैंने इसमें अभी आपको जो दिखा रही हूँ वो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, और ये 9 इंची में बहुत अच्छा ग्रो करता है, 9 इंची में, 4 इंची में, लेकिन मैक्सिमम खूबसूरत ये 9 में लगता है। ये इसमें देखिए ये बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था प्लांट, वो जो है वो उसमें जो इसके जैसा लग रहा था पेंडानस जो दिखाया था, जो देखने में इसके टाइप की पत्तियां हैं उसकी, उनमें थोड़ी चमक ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें ये इस तरह की ये डंडी नहीं निकलती है, ये वाली, ये देखिए ये डंडी नहीं निकलती है। और ये देखिए ऐसे बेबी प्लांट्स नहीं निकलते हैं उसमें, ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स इसमें निकले हुए हैं, उसमें नहीं निकलते हैं। और ये जो स्पाइडर प्लांट है ये भी 9 इंची में बहुत अच्छा ग्रो करता है। ये देखिए सेंसिवेरिया, सेंसिवेरिया बहुत अच्छा उगता है 9 इंची के, ये 9 इंची के ही पॉट्स हैं करीब,
एग्जैक्टली नहीं है, तो ये सिरेमिक है, ये 9 इंची के पॉट जितने ही हैं। बड़े पॉट्स देखिए ऐसे होते हैं, ये और बड़े हैं, ये उनसे छोटे हैं। तो सेंसिवेरिया भी 9 इंची में बहुत अच्छा, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा लंबा वाला सेंसिवेरिया नहीं होता है ना, जो मेरे अभी मैं नीचे आ गई हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, मिडिल फ्लोर पे एक सेंसिवेरिया है, वो बहुत लंबा ग्रो कर रहा है, लेकिन वो 9 इंची के पॉट में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इनिशियली इसको जो है ये इसमें बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखिए सिंगोनियम आपको दिखाऊँ मैं, ये भी 9 इंची के पॉट में लगे हुए हैं। और मेरे पास ये देखिए ये एग्लोनिमा कितने खूबसूरती से ग्रो कर रहा है। ये एक और आपको दिखाऊँ सिंगोनियम कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। अच्छा ये जो शॉर्ट वाले अरेका पाम आते हैं जिनकी लेंथ कम होती है, ये वाला अरेका पाम में से मैंने रेड सॉइल निकाल के दिखाई थी आप लोगों को, तो आपने कहा था इसका हमें वो दिखाइएगा। ये देखिए ये छोटा वाला अरेका पाम है, ये 9 इंची में बहुत अच्छा ग्रो करता है। देखिए एग्लोनिमास ये 9 इंची वाले पॉट्स हैं, ये इनमें कितनी अच्छी तरह चल रहे हैं ये एग्लोनिमा। देखिए तो एग्लोनिमा बहुत अच्छी तरह है। फिर मैंने बताया आपको सेंसिवेरिया, देखिए ये सेंसिवेरिया, ये और भी छोटे पॉट में है, सेंसिवेरिया 9 इंची में बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्लांट्स मैंने आपको बताए जो 9 इंची के पॉट्स में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, और उनको आपको ग्रो ही 9 इंची में करना चाहिए। तो बड़े गमले में आप उनको ग्रो ही ना करें, करें ही आप 9 इंची में। ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैं सिर्फ 9 इंच में उगाती हूँ और बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।